हेलो स्टनिंग गाइस, मैं आप सबकी द प्रैक्टिकल आज लेके आई हूँ। कोई रेसिपी नहीं, आज रेसिपी का रिव्यू है गाइस। लेकिन जो ये मेरा काम है ना, ये मैं अकेले करती हूँ, कभी किसी से शेयर नहीं करती। लेकिन फिर सोचा मैंने कि ये काम आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ आइसक्रीम केक की रेसिपी। सीरियसली गाइस, मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है बनाने के लिए। तो देखते हैं कि ये कैसा बनता है। अगर आपको ये रेसिपी रिव्यू की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे 2 कटोरी सूजी, जिसको मैंने अच्छे से बारीक मिक्सर में पीस लिया है। आप सूजी की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हेल्दी केक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सूजी लिया है। उसके बाद 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 कटोरी दही लिया है, 1 कटोरी चीनी, 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने दूध लिया है, और 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल भी लिया है, और वनीला एसेंस यूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि कैसा बनता है ये केक। तो एक बोल लिया है मैंने, और इसमें 2 कटोरी सूजी लिया है मैंने, जिसको बारीक पीस लिया था। उसके बाद 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यूज़ किया है, और इनको आपस में मिक्स कर लिया है। उसके बाद 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, और इसको भी आपस में मिक्स कर लिया है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, ऑयल मैंने 4 से 5 बड़ा स्पून ले लें और उसको मिक्स कर लें इस तरीके से। तो यहाँ पे हम अभी केक का बेस बना रहे हैं, तो इन सबको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका। उसके बाद इस बैटर को मैं ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। तो 15 मिनट के लिए इसको रख दिया है मैंने, और देखते हैं 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मेरा 15 मिनट हो गया, और इस बैटर से कुछ अलग सी स्मेल आ रही है गाइस। इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर 1 चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा डाला है, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें वनीला एसेंस यूज़ किया है। उसके बाद इसमें मैं दूध मिलाते हुए इस बैटर को थोड़ा सा थिक बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं दूध मिक्स कर रही हूँ और बैटर को थिक बना लूँगी। मुझे नहीं पता गाइस ये कैसा बनेगा, लेकिन देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, और आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं था आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिल्क ऐड करने के बाद इस तरीके की कुछ कंसिस्टेंसी बन के मेरी रेडी हो गई है। तो अब बारी है इसको बेक करने की। तो एक मोल्ड ले लिया है मैंने, आपके पास अगर केक का मोल्ड हो तो आप वो यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने घर का ही कोई बर्तन यूज़ कर लिया है, और उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा मोल्ड अच्छे से ग्रीस होकर रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक बटर पेपर लूँगी, और बटर पेपर को भी अच्छे से मैंने बेस में पेस्ट कर दिया है, और उस पर भी हल्का सा ऑयल मैंने ग्रीस कर दिया। यहाँ पर हमारा मोल्ड भी बन के रेडी हो गया। इसके अंदर अब मैं बैटर डालूँगी, और बैटर मैंने यहाँ पर डाल दिया। बैटर डालने के बाद हल्का सा इसे टैप करते हैं, जिससे कि अच्छे तरीके से सेट हो जाए हमारा बैटर। उसके बाद इसको चलते हैं बेक करने के लिए। तो मैं इसे कढ़ाई में बेक करूंगी। तो कढ़ाई मैंने लिया है, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है, और उसे ढक के 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे मेरा 5 मिनट हो गया। इसके अंदर हम अपना बैटर रखेंगे, और यहाँ पे 30 से 40 मिनट तक मैं वेट करूँगी। देखते हैं कितने टाइम में बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मेरा 35 मिनट हुआ है, और चलिए चेक करते हैं लिड को हटा के कि कैसा बना है हमारा केक, अभी बना भी है या नहीं। और ये अच्छे से फ्लफ़ी तो हो गया है। एक चाकू की हेल्प से टेस्ट करती हूँ कि ये बना है या नहीं। तो ये मेरा चाकू बिल्कुल फ्रेश निकला है, इट मीन्स कि हमारा केक का बेस बन के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद इसे थोड़ी देर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, गैस से इसे उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे ये ठंडा भी हो चुका। अब इसके साइड्स को चाकू से इस तरीके से कट कर लेंगे, ताकि साइड से अच्छे से निकल जाए, और एक प्लेट की हेल्प से इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी प्लेट में। तो यहाँ बहुत ही सॉफ्टली हमारा केक निकल के आ गया। अब इसके पीछे जो बटर पेपर है ना, उसको निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे बटर पेपर को निकाल ले हल्के हाथों से। यहाँ हमारा बटर पेपर भी निकल गया, और उसके बाद इसके टॉप के लेयर को मैं यहाँ कट करके निकाल दूँगी। तो बहुत ही शार्प चाकू चाहिए इसके लिए, जो टॉप के लेयर को आसानी से कट करके निकाल दे।
और गाइज आप देख सकते हैं हमारा केक कितना फ्लफी बन के रेडी हुआ है। ये बेस तो बहुत ही टेस्टी बना है, ये तो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं बना के। बहुत ही अच्छा सा बेस बन के रेडी हुआ है और बहुत ही हेल्दी बेस है ये, क्योंकि ये सूजी का बना हुआ है। और फिर इसे बीच से हम कट कर लेंगे, इसे दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। तो बहुत ही ध्यान से इसे कट करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कट होके बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ वनीला आइसक्रीम लिया है, जो मार्केट में मिलती है ना आइसक्रीम, ये वही आइसक्रीम है। इस ब्रेड के एक हिस्से पे इस तरीके से हम इस आइसक्रीम को फैला लेंगे। यहाँ पे गाइस बहुत ही टफ काम लग रहा है इस आइसक्रीम को स्प्रेड करना इसके ऊपर, लेकिन कोई नहीं, कोशिश जारी है। ये तो हो गया, फिर इसके बाद मैं इसे दूसरे हिस्से के ब्रेड को उसके ऊपर रख दूंगी और इसके टॉप पे भी वनीला आइसक्रीम का ही लेयरिंग करूंगी। तो गाइस ये तो नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। ये पूरी आइसक्रीम पिघलना शुरू हो गई है। आई थिंक कि इसको सेट करने के लिए मुझे खुद को फ्रीज़र में खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करते हैं, शायद सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ये नहीं हो रहा गाइस, ये पिघलती जा रही है और पूरी आइसक्रीम पिघल रही है साइड से। देखिए आप देख सकते हैं पूरी आइसक्रीम पिघल रही है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ना ट्राई करें, इसकी जगह आप व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करें। कोई नहीं, मेरी तो पिघल चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, देखते हैं कि कुछ तो अच्छा हो जाए। उसके बाद मैं इस पर कुछ चेरीज और चोको चिप्स से डेकोरेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे चेरीज और चोको चिप्स से डेकोरेट कर रही हूँ और साइड से मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। गाइस शायद इसको हम अगर ठंड के दिन में ट्राई करें ना, तो ये बहुत ही कम पिघलेगी, क्योंकि अभी का एटमॉस्फेयर मेरे यहाँ बहुत ही गर्म है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से पिघल रही है और ये सेट नहीं हो रही है। खैर कोई नहीं, दुख तो बहुत हो रहा है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट यूज़ किया है, इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है मैंने, ताकि आइसक्रीम थोड़ा सा चिपकी रहे, इतनी तेज़ी से ना पिघले। और इसके बाद मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ सेट होने के लिए। यहाँ पे मेरे 4 से 5 घंटे हो गए हैं और देखिए कुछ ऐसा लुक है हमारी केक का। साइड से मैंने आइसक्रीम जो पिघली थी उसको साफ कर दिया और कट करके अब देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पे कट तो कर लिया है मैंने, लेकिन गाइस मुझे ये ऊपर से तो क्रीम बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, जो केक का मेन होता है, क्योंकि सारी आइसक्रीम तो हमारी पिघल चुकी थी। लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही औसम है गाइस, उसका ब्रेड बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी बना है, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं आपको। आप ब्रेड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस आइसक्रीम को आप ट्राई ना करें, उस ब्रेड के ऊपर आप व्हिपिंग क्रीम ट्राई कर लें। मैं अगली बार व्हिपिंग क्रीम के साथ बना के आपको दिखाऊंगी। ये तो मेरा एक ट्राई था, मैंने सोचा कि देखते हैं कैसा बनता है, अगर अच्छा बनता तब मैं आपके साथ शेयर करती, और यहाँ पर लेकिन ये फेल हो गया। फिर भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अगर आपको ये रिव्यू की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप ऐसी और रिव्यूज़ की वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए होंगी मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।